घबरा जाते हैं ना बच्चे, वो ज्यादा घबरा जाए उनका हल्का सा चक्कर आ सकता है, इसलिए आपका कोई प्रश्न नहीं। उसके लिए हम भी मौजूद फील्ड में जाके झोटा कहीं चला जाता है। दूसरे हमारी जो टीम आएगी उसके पास भी उसकी दवा उल्टी जैसे हो गई, किसी को घबराहट हो गया था तो उसकी भी दवा उसके पास, कोई भी दवा रिएक्शन कर सकती है किले को, और बुखार आता है दवा देना कोई रिएक्शन नहीं करता। मेरे ग्राम में बच्चों को जख्म होता है इंशाअल्लाह कोई दवा नहीं बचाओ पोलियो बचाओ तो उसके लिए पहले काली खांसी का टीका लगता है, जिसमें यह टैटनस है बीमारी हो जाए काम का पता होगा, इसीलिए उसका पहले भी कर लगता है। ऐसे ही रुबेला भी उन्हीं बीमारियों में शामिल है कि जिसका होने के बाद कोई इलाज नहीं है, इसलिए उसका बचाव के लिए पहले से वो भी कोई जरूरत होगी तो मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, क्योंकि यही आपके पड़ोस में जस्ट पड़ा जाने वाला गया मुझसे सवाल किया कि ये टीके जो टीके हैं किस चीज़ के टीके लग रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये टीके दो बीमारियों के टीके हैं, इसमें एक बीमारी है खसरा और दूसरी बीमारी है रुबेला। खसरा के बारे में सब लोग जानते हैं, पहले से टीके भी लग रहे हैं, हर स्वास्थ्य केंद्र पर लग रहे हैं, अस्पतालों में लग रहे हैं, और प्राइवेट नर्सिंग होम्स में या जो प्राइवेट चिकित्सक हैं उनके यहाँ भी ये टीके लगते हैं। लेकिन एक बीमारी जो नई बीमारी है हमारे विदेश में आई है रुबेला, ये टीका राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुआ है ये टीका, और ये रुबेला की बीमारी है जो खसरा से ही मिलती जुलती बीमारी है, इसलिए ये बीमारी भी उन्हीं बीमारियों की तरह है जो पहले से जिनमें टीका लगाया जाता है, और बीमारी अगर हो जाए तो फिर ये ठीक नहीं होती, इसलिए इसका टीका भी पहले से बचाव के लिए इसका टीका लगाया जा रहा है। जैसे और बीमारियां हैं कि बचाव ही इलाज है, ये भी वही है, इसका बचाव ही इलाज है, बीमारी होने के बाद कोई इलाज नहीं है, और बचाव के लिए वो टीका। दूसरी चीज, आपका सवाल है कि इससे कोई परेशानी तो नहीं होती, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टीके से किसी तरह की किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। पूरा स्वास्थ्य विभाग और पूरी इंडिया सरकार इसमें इन्वॉल्व है, और पूरी तत्परता से स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी से लगे हुए हैं, किसी तरह की कोई भी परेशानी किसी बच्चे को नहीं होगी,
सब लोगों को चाहिए कि ये बीमारी का टीका लगवाएं। अगर बीमारी हो जाएगी तो फिर इसको बच्चा स्वस्थ नहीं रह पाएगा, या तो जान का भी खतरा है, और अगर बचा बच्चा तो फिर उसका दिमाग सुकड़ने लगता है, दिल में छेद होने लगता है, और स्वास्थ्य के हिसाब से उसको जो जिस्मानी कमजोरी भी होने लगती है। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है, सारे लोगों से गुजारिश है कि इस बच्चे नौ महीने से लेकर के और 15 साल तक के बच्चे को, अपने हर बच्चे को टीका लगवाएं, और जो पड़ोस में लोग हों, रिश्तेदार हों, उनको भी समझाएं कि टीका जरूर लगवाएं। थैंक यू।